ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म फन्ने खां कल शुक्रवार 3 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। इसकी एडवांस बुकिंग की बात करें तो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के अनुसार करीब 25-30% सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। बता दें कि इस दिन दो और फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही हैं, मुल्क और कारवां। मुल्क में तापसी पन्नू और ऋषि कपूर लीड रोल में हैं और कारवां में इरफान खान और दलकीर सलमान। बताया जा रहा है कि पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फन्ने खां इन दोनों फिल्मों को पछाड़ देगी। पहले दिन के कलेक्शन की अगर हम बात करें तो ट्रेड पंडितों के अनुसार पहले ही दिन फिल्म फन्ने खां करीब 8 से 10 करोड़ रुपए कमा सकती है। ऐसे में इस रिपोर्ट को देखते हुए कहा जा रहा है कि कारवां और मुल्क फन्ने खां के सामने नहीं टिकने वाली। इतने भी अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय की जोड़ी काफी लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर दिखने वाली है। ऐसे में फैंस उनकी जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, सब्सक्राइब और चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट।